इमाम साहब को किसी ने कुरान मजीद की सूरह तौबा पर हाथ रख कर कसम दिलवाई और इमाम साहब ने कसम खा ली, इस मस्जिद में जब जब इमामत करोगे तो तुम्हारा निकाह टूट जाएगा। कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब इनायत फरमाएं, ऐन नवारिश होगी। अगर तलाक वाक हो गई तो कौन सी तलाक वाक होगी? मोहम्मद मंजूर आलम रजवी, इमाम जामा मस्जिद। चलो उल्लमा, जिसका उर्दू में तर्जमा है जब जब, या फाइल के उमूम पे दलालत करता है, क्योंकि उसने कसम खाया है कि जब जब मैं इस मस्जिद में इमामत करूंगा, बीवी को तलाक है, तलाक पड़ जाएगी या निकाह टूट जाएगा, तो उसे चाहिए कि उस मस्जिद में इमामत से अपने आप को अलग कर ले। वरना चूंकि उल्लमा जब जब तकरार का मुक्तज़ी है, वो जितनी बार वहाँ इमामत करेगा, हर बार उसकी बीवी पर तलाक पड़ेगी।